एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस बाइक एडिशन में, जहाँ पे आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। आपके सामने कुछ संख्याएं दी हुई है, अगर आप इनका वर्गमूल कर दें, वर्गमूल कर दें, तो इनमें जो इकाई का अंक आएगा वर्गमूल का, वो आपका क्या होगा, आपको ये बताना है। उनकी क्या क्या संभावना हो सकती है, इसके लिए आपको एक से लेके 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 81, 10 का स्क्वायर 100। इस प्रकार से आपको इन संख्याओं का वर्ग पता होगा तो आप इनके इकाई अंक की क्या क्या संभावित मान हो सकते हैं ये बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ पे एक आ रहा है इकाई अंक, यहाँ पे हल में लिखो इकाई अंक की, इकाई अंक के संभावित मान, संभावित मान बताने हैं आपको। तो देखो पहले मैं संभावित मान एक कहाँ कहाँ आएगा, अगर किसी संख्या में एक हो उसका वर्गमूल करें तो एक आ सकता है। अच्छा, एक इधर देख लो, नौ, तो इसका जो संभावित मान हो जाएगा वो एक होगा या नौ होगा, क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आ सकता है, नौ का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो एक आ सकता है। तो इसका संभावित मान ये हो गया अपना, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे देखो छः के संभावित मान क्या हो सकते हैं, एक तो ये रहा 16 का, तो अपना पास एक तो आ जाएगा 4, और 6 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो एक हो जाएगा अपना 6। तो संभावित मान कौन से हो गए, 4 और 6, ठीक है। इधर वही एक आ गया, तो इसका तो एक या 9 अपना पहले आया ही था संभावित मान। इसके बाद में यहाँ पे 25 है, 25 देखो 5 एक ही संख्या में आते हैं 5 का वर्ग करने पे, ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पे केवल एक ही संख्या आएगी 5, ये अपने आंसर आ गए, ये अपने आंसर आ गए। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इनकी गणना नहीं करनी है और फिर भी ये बताना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं, तो आपको वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, आपको इधर वर्ग कर दिया मैंने पहले ही ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो यहाँ से संख्या देखिए 1, 4, 5, 6 और कौन सी 9, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ये संख्याएं आ जाए तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। अगर किसी संख्या के अंत में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए या 2 0 समरूप में आने चाहिए, पहले भी बताया था आपको, अगर इस रूप में संख्याएं आ जाए तो वो संख्या तो क्या होगी, आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब देखो क्या क्या नहीं आना चाहिए, 1, 2, 3, 7, 8, अगर ये संख्याएं आ जाए किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8, 1 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 5 0 आ जाए विषम रूप में, तो ये संख्याएं क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसको आप लिख लेना, याद रखने की चीज है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आपके आ रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब अगर आपको यह संख्या याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी
या नहीं? तो देखो यहाँ पे तीन आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तीन, 2, 3, 7, 8 या विषम रूप में 0 आ जाए वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पे 7 आ रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 8 आ गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, तो 1 आने के कारण ये क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको बस ये संख्याएं याद रखनी है, अगर ये संख्याएं आ जाती है तो वो संख्या किसी भी संख्या के अंत में इनमें से कोई सी भी संख्या मिलती है आपको, तो वो संख्या तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। और 2, 3, 7, 8 और विषम रूप में 0 मिल जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस प्रकार से आज अपने क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।